हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एनओएनसी कॉन्टैक्ट है और ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है और रिले है, इन सभी को टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब का टेस्टिंग करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन दिया है उसे दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट है जो हमारे, वो इलेक्ट्रिकल लाइन से सभी जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को मालूम ही होगा कि एनओ और एनसी जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे लिए बहुत ही जो है ज़्यादा यूज़ होता है उसमें पैनल वगैरह में। तो एनओ जो है उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन टाइप स्विच, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉर्मली ओपन टाइप जो स्विच है वो नॉर्मली ग्रीन कलर की आती है इस टाइप की, उसे एनओ पुश बटन भी बोलते हैं। और ये जो हमारी मोटर के स्टार्टर आते हैं उन सभी में स्टार्टिंग और स्टॉप स्विच के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसे। तो जो नॉर्मली ओपन आता है एनओ उसका फुल फॉर्म है नॉर्मली ओपन, और वो स्टार्ट स्विच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है एनसी, एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड, मतलब ये जो है हमारी वो स्टॉप स्विच है और वो नॉर्मली हम लोग रेड कलर के यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नाम से ही आपको शायद पता चलता होगा कि एनओ जो स्विच है वो कैसे काम करती है। तो उसके नाम में ही लिखा है कि नॉर्मली ओपन, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है, मान लो अगर इसमें कुछ सप्लाई वगैरह हम लोग नहीं देते हैं तो इसके तो जो कॉन्टैक्ट वो नॉर्मली ओपन रहेंगे, ठीक है। और ये जो नॉर्मली क्लोज है उसमें हम लोग सप्लाई वगैरह कुछ नहीं देते तो ये वाली जो स्विच है वो नॉर्मली क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। मतलब इसके जो काम है उसके नाम के ऊपर से इसको लिया गया है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो इसको सबसे पहले हम लोग सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की मदद से टेस्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो स्विच है। तो यहाँ पे जो स्विच है इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं चार कॉन्टैक्ट हमें दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो टू इन वन स्विच आती है, मतलब इस टाइप की जो स्विच है उसमें दो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन के होते हैं और दो जो है वो नॉर्मली क्लोज के कॉन्टैक्ट होते हैं। तो कौन से कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज के है और कौन से नॉर्मली ओपन के है वो कैसे पता चलेगा, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग बोर्ड है। पहले यहाँ पे ये दोनों कॉन्टैक्ट को हम लोग देखते हैं। तो ये दो कॉन्टैक्ट को चेक करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये वाले जो कॉन्टैक्ट है हमारे वो नॉर्मली ओपन वाले होंगे। और ये दो जो बाकी के दो कॉन्टैक्ट बचे हैं इसको लगाने से यहाँ पे लैंप ग्लो हो रहा है, मतलब ये वाले जो कॉन्टैक्ट है हमारे ये नॉर्मली क्लोज टाइप के कॉन्टैक्ट है, मतलब ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो स्विच है इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे नॉर्मली मतलब एनसी या एनओ दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रीन वाले स्विच है उसको हम नॉर्मली ओपन में यूज़ करते हैं, मतलब बाकी के जो दूसरे जो टर्मिनल बचते हैं एनसी वाले उसको हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए कि ये जो है हमारा, इसको मैं यहाँ पे दो टर्मिनल के ऊपर सीरीज बोर्ड को लगाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, ये जो कॉन्टैक्ट है हमारे नॉर्मली ओपन है, जब ये स्विच पुश होगी तो ये नॉर्मली ओपन में से नॉर्मली क्लोज में चेंज हो जाएंगे, मतलब ये जो है दो टर्मिनल शॉर्ट होंगे, मतलब ये जो लैंप है हमारा ग्लो हो रहा है। अभी नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहती है लेकिन इसको जब हम पुश करते हैं तो ये एनओ कंडीशन में से एनसी कॉन्टैक्ट में मतलब एनसी कंडीशन में चली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाली स्विच है हमारी वो कंप्लीट है। सेम उसी तरह से यहाँ पे ये रेड वाली स्विच है हमारी, उसके पीछे भी चार कॉन्टैक्ट हमें दिए गए हैं लेकिन उसमें से हम लोग सिर्फ दो ही कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे, और जो रेड वाली स्विच आती है उसको नॉर्मली हम लोग एनसी कॉन्टैक्ट जो आता है उसमें यूज़ करते हैं, एज ए एनसी स्विच यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ मैं टेस्ट करके। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये जो दो टर्मिनल है ये एनसी वाले है, यहाँ पे लैंप ग्लो हो रहा है इन दोनों टर्मिनल के पास, ठीक है। और ये जो दो टर्मिनल है यहाँ पे लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारे एनओ वाले कॉन्टैक्ट हुए। तो ये जो हमारी स्विच है रेड वाली इसको हम एनसी के काम के लिए लेते हैं, तो इसको मैं एनसी वाले कॉन्टैक्ट है यहाँ पे दो उसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीछे इसके पीछे लिखा भी होता है एनसी और एनओ, अगर आपको कुछ पता नहीं हो तो। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग बोर्ड के दो टर्मिनल है इसको पीछे कॉन्टैक्ट पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहती है, मतलब ये एनसी कंडीशन में है अभी,
जब मैं स्विच को पुश करता हूँ तो ये एनसी में से एनओ में चली जाती है, मतलब ये कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है और लैम्प जो है हमारा वो बंद हो गया है, ठीक है। अब फिर से मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये स्विच ऑन हो जाती है, ठीक है। मतलब इस स्विच का यूज़ हम क्लोज, मतलब जो मोटर या स्टार्टर वगैरह आते हैं उसको बंद करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, रेड कलर की स्विच का, और जो ग्रीन कलर की स्विच आती है उसका यूज़ हम स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो ये था हमारे एनओ और एनसी दो स्विच को टेस्ट करने का तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पैनल बोर्ड आते हैं उसके अंदर इंडिकेटर आते हैं, लाइट इंडिकेटर। नॉर्मली फ्रेंड्स ये तीन कलर के इंडिकेटर ही आते हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से मैं इसके दो टर्मिनल को पीछे से यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हो रही है, मतलब ये वाला जो है हमारा ओके है। उसी तरह से सेम यहाँ पे फ्रेंड्स येलो वाला है, उसको भी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो ये भी हमारा ओके है। उसी तरह से ये ब्लू कलर का जो हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पे भी मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है। इसके पीछे दो टर्मिनल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सप्लाई देना होता है, हमें सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो ये ऑन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इंडिकेटर जो आते हैं हमारे, उसको टेस्ट करने का तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी रिले आती है, ये ओवरलोड रिले है हमारी, ओवरलोड रिले कैसे टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके जो ये टर्मिनल है, इसको यहाँ पे हम नॉर्मली इसके नीचे वाले जो टर्मिनल है यहाँ पे, मतलब इस जो चार टर्मिनल हमें ऊपर वाले दिए हैं, इसको हम कॉन्टेक्टर में लगाते हैं ऊपर वाले को, और जो नीचे हमें दिए हुए हैं वो सीधा जाते हैं हमारी मोटर वगैरह में, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे कि पहला टर्मिनल है यहाँ पे लगाने से लाइट ग्लो हो रही है, उसी तरह से सेम यहाँ पे दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे नीचे वाले कॉन्टेक्ट से लगा के लाइट ग्लो हो रही है, मतलब ये वाला जो हमारा रिले है ओके है। अब इसके बाद इसमें फ्रेंड्स ये वाली जो रिले है उसके नीचे हमें चार अलग दूसरे पॉइंट भी दिए होते हैं। ये दो जो पहले टर्मिनल है हमारे, ये एनसी के है, आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा नज़दीक से। यहाँ पे 95 और 96 नंबर के जो टर्मिनल हमें दिए हुए हैं पहले दो, वो एनसी के टर्मिनल है, और बाकी के जो बाजू में हमें दिए हुए हैं वो एनओ टर्मिनल है। तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे रिले है, रिले के अंदर जो एनसी वाले दो कॉन्टैक्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसको हम जब सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करेंगे तो यहाँ पे लैंप ग्लो होना चाहिए, मतलब हमारे रिले है जो वो ओके होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले दो टर्मिनल पे लगाता हूँ तो लैंप हमारा ग्लो हो रहा है, मतलब ये वाला जो एनसी टर्मिनल है ओके है हमारा, ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रहता है, पहले दो टर्मिनल है वो। उसके बाजू के दो टर्मिनल है वो एनओ है, मतलब इस यहाँ पे लगाने के बाद लैंप ग्लो नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मली ओपन ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये जो हमारी रिले है वो ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टैक्टर है, तो फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर को कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं कॉन्टैक्टर को थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो कॉन्टैक्टर है हमारे, उसमें यहाँ पे L1, L2 और L3, मतलब ये जो सप्लाई के तीन टर्मिनल आते हैं यहाँ पे देने होते हैं, और यहाँ से नीचे T1, T2 और T3 जो तीन टर्मिनल निकलते हैं वो सीधा मोटर में जाता है। कॉन्टैक्टर जो है वो फ्रेंड्स मोटर या स्टार्टर वगैरह में कनेक्शन थ्री फेज सप्लाई जो आता है उसको लगाने के लिए करते हैं हम लोग। और उसके अलावा यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी दो कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर और ये 14 नंबर का जो साइड में हमें दो कॉन्टैक्ट अलग अलग दिया हुआ है, वो 14 नंबर का और 13 नंबर का है वो एनओ कॉन्टैक्ट है, मतलब ये वाला जो है ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसका प्लंजर दिया हुआ है बीच में से, इसको प्रेस करेंगे तो ये दो जो टर्मिनल है ऊपर वाले ऊपर की सर्किट को नीचे से शॉर्ट करता है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। और इसके अलावा यहाँ पे सप्लाई देने के लिए हम लोगों को दो टर्मिनल ऑक्सिलरी के दिए होते हैं, इसका नाम है A1 और A2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। अभी जो हमारे पास कॉन्टैक्टर है वो 230 वोल्ट का है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई पे ऑपरेट होता है। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की मदद से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पहला जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का टर्मिनल है उसको हम L1 में लगाएंगे, और दूसरा जो है उसको नीचे वाले उसके एग्जैक्ट नीचे जो यहाँ पे T1 हमें दिया हुआ है वहाँ पे मैं लगाऊंगा। और इसको जो इसका प्लंजर है यहाँ पे उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये जो लैंप है वो ग्लो होना चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं L2 वाला टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे T2 से कनेक्ट करूँगा, और फिर से यहाँ पे मैं प्लंजर को प्रेस करूँगा तो ये फिर से लैंप हमारा जो है वो ग्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है वो ओके है। उसी तरह से सेम यहाँ पे L3 में लगाऊंगा और तीसरा टर्मिनल है वो T3 में लगेगा, इसको प्रेस करूंगा तो लैंप हमारा ग्लो हो रहा है, मतलब ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो भी सही है, तीन टर्मिनल जो है इसको नीचे की तरह से मिल रहे हैं। और बाकी जो ये वाला बचा है ये एनओ कॉन्टैक्ट है, तो इसको मैं लगाऊंगा तो ये अभी नॉर्मली ओपन है, लेकिन जैसे इसको प्रेस करूंगा तो ये ओपन में से क्या हो जाएगा, क्लोज कंडीशन में चला जाएगा, मतलब ये जो है हमारे चारों टर्मिनल हम लोगों ने चेक कर लिए, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ पे हमने दूसरा वैसा ही थ्री फेज का कॉन्टैक्टर दिया हुआ है तो उसको भी सेम उसी तरह से चेक करेंगे हम लोग, एक को ऊपर लगाएंगे दूसरे टर्मिनल को नीचे लगाएंगे, और यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से इसको प्रेस करता हूँ मैं तो ये लैंप ग्लो होना चाहिए,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे NO और NC पुश बटन और जो इंडिकेटर आते हैं और कॉन्टैक्टर और रिले आती है, उन सबको टेस्टिंग करने का तरीका। अगर इसके अलावा इसमें कुछ भी आप लोगों को क्वेरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो जो है उसको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताना। थैंक यू।